जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दब बुआ देत काहे गारी बता दब बुआ देत काहे गारी बता दब बुआ प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी एक भाई गोर कहे एक भाई गोर कहे एक काहे गारी को जय सियाराम। एक बार जय सियाराम जोर से हो जाइए, जय सियाराम। तो देखिए मैं राम की पैड़ी पर इस वक्त मौजूद हूँ और सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर राम की पैड़ी की दिखाना चाहूंगी। देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृति यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए अवध में अयोध्या में आप घूमेंगे तो आपको जगह जगह पर प्रभु श्री राम के इसी तरीके के पात्र जो है वो नजर आएंगे और बेहद खूबसूरती के साथ इस पूरी पेंटिंग को उकेरा गया है। और आर्टिस्ट भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इसे तैयार किया। कितने दिनों में तैयार किया आपने? ये दो दिन लगा है, 12 से 14 घंटे। 12 से 14 घंटे में। अच्छा और भी कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बनाने वाले हैं आप लोग? हाँ जी, आज बनाएंगे रंग। अच्छा मैंने सुना है आंखों में पट्टी बांध कर आपने ये बनाई? जी मैंने आंख बंद करके ये रंगोली बनाई है। इससे पहले भी आपने ऐसी रंगोली बनाई? हाँ इससे पहले मैं कुछ भी कर सकती हूँ आंख बंद करके। अभी हमारा दूसरा प्लान भी रंगोली बनाने का, वो भी आंख बंद करके। क्या भाव आ रहा था जब आपने प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम 500 साल वर्ष बाद आज हम मतलब कि अयोध्या में पधार रहे हैं तो ये देख के हमें बहुत मतलब कि बहुत खुशी हो रही थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे अंदर जाते हुए माता सीता और श्री राम जी की प्रतिभा बनाई है। देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अयोध्या में हर जगह आपको प्रभु श्री राम के आदर्श नजर आएंगे, उनके प्रसंगों को पुनः स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, महासचिव चंपत राय की तरफ से जानकारी दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले चंपत राय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बकायदा। और ये कहा गया है कि कल से जो मुख्य कार्यक्रम है यानी अनुष्ठान है उनकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, 22 जनवरी का इंतजार खत्म हो रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंपत राय की तरफ से कहा गया है कि कल से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे अयोध्या में। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। तो देखिए कल से अनुष्ठान शुरू होने वाले हैं। देखिए अयोध्या तो सजी रही है। एक और कलाकृति मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए अभी प्रभु श्री राम की एक और कलाकृति यहाँ पर बनाते हुए आर्टिस्ट हमें नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्या तैयार कर रही हैं आप? मैम मेरा नाम निशा कुमारी और कल मैंने जो ये बनाया है ना ये कल मैंने शुरू किया था, उसके बाद आज फिर पूजा पाठ करके अभी शुरू करेंगे। पूजा पाठ करके आपने शुरू किया था। क्या भाव है इस पेंटिंग का? ये पेंटिंग का सबका आंख रामलला पे टिका हुआ है, तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है जो मेरा कला है कि उनको अपना भाव कला के थ्रू दिखा। ये मैंने कैनवस पे ऑन द स्पॉट एक्रेलिक बनाया था, तो कल शाम हो गया था, रात हो गया था तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर आज लाके इसको कम्प्लीट। हर कोई अपनी अपनी भागीदारी प्रभु श्री राम के चरणों में स्थापित करना चाहता है और यही वजह है देखिए छोटे छोटे आर्टिस्ट जो है कला के जरिए प्रभु श्री राम के आदर्शों को पुनः स्थापित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कल अयोध्या में अनुष्ठान जो है उनकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यजमान है उस दिन के जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, ये महासचिव चंपत राय जी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन आएंगे लेकिन 65 से 70 मिनट तक वो वहाँ पर भाषण भी देंगे यानी कि जनता को संबोधित भी करेंगे। अब उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे बेसब्री से देशवासियों को इंतजार तो है ही, इससे ज्यादा 22 जनवरी का इंतजार है जब राम लला
विराजमान होंगे भव्य नव्य मंदिर में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भी वहाँ पर लोग जरूर आंखें बिछाए बैठेंगे। क्या कहा उन्होंने ये सुनिए। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। फिर सभी महानुभाव विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर मोहनराव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। तो देखिए पूरा अयोध्या आपको राममय नजर आएगा, जहाँ जहाँ पर आप नजर डालेंगे वहाँ वहाँ पर आपको भगवा रंग नजर आएगा। देखिए लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है और सरयू का जल लेकर भी यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए आज स्नान और दान का तो महत्व ही है, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए इनसे बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? कहाँ से आए? चंदौली से। चंदौली से पहले भी आए अयोध्या? नहीं पहली बार। अयोध्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 22 तारीख का इंतजार है? हाँ बहुत इंतजार है। तैयार है दीपावली मनाने के लिए? एकदम एकदम एकदम। अब सरयू का जल लेकर जा रहे हैं? हाँ घर के लिए ले जा रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं हम लोग। पहली बार? हाँ पहली बार आ रहे हैं। अच्छा आपने ये सोचा था कि आप कभी ये सपने में सोचते थे हम और आपकी रामलला बैठेंगे अब टेंट से लेकर भव्य में? नहीं सोचा गया था, लेकिन मोदी जी का देन है कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया, हो जाएगा ये यकीन सोचे नहीं थे। देखिए सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा आप लोग तो आर्टिस्ट हैं। अच्छा इसके अलावा जैसे आप लोगों ने ये कितने दिनों में तैयार की? 2 दिन में तैयार की थी हमने। अच्छा ऐसे कुछ और पेंटिंग्स भी आप तैयार करने वाले? अभी आज हम और रंगोली तैयार करने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप लोगों को लगा था कि आप अपने जीवन काल में ये शुभ घड़ी देख पाएंगे? नहीं, लेकिन ये बहुत सौभाग्य है कि हम लोग ये देख पा रहे हैं। बहुत सौभाग्य है। अच्छा आज की युवा पीढ़ी तो कहते हैं कि धर्म कर्म में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन आपको कितना लगता है कि धर्म से आज के युवा को जुड़ना चाहिए? बहुत जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। जो नहीं जानते वही ये कहते हैं, जो नहीं जानते। अच्छा जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए। तो देखिए कुछ और रंग में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए वहाँ पर दूर तक आपको नजर आ रहा है, देखिए तैयारियां आपको नजर आ रही होंगी कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और सुबह हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे साधु संत जो है खुद यहाँ पर सफाई अभियान जो है उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। जय श्री राम का उद्घोष भी आपको सुनाई दे रहा होगा। वैसे तो अयोध्या में जब जब आप जाएंगे जय सिया राम तो आपको सुनाई देगा और इसका जय घोष भी आपको सुनाई देगा, और यही वजह है कि लोग बेसब्री से अब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं।